बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज इन दिनों बेन एफ्लेक के साथ रोमांस को लेकर सुर्खियों में हैं। हॉलीवुड में जेलो के नाम से मशहूर एक्ट्रेस ने 24 जुलाई को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान वो खुद से 4 साल छोटे बॉयफ्रेंड बेन एफ्लेक के साथ एक यॉट नाव में नजर आई। इस दौरान जेनिफर ने बेन एफ्लेक को किस किया। फोटो में जेनिफर रेड कलर की बिकनी में नजर आई। अपने लुक को उन्होंने मैचिंग श्रग के साथ कंप्लीट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर अब बेन एफ्लेक के साथ चौथी शादी कर सकती हैं। जेनिफर की रोमांटिक फोटो पर हॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोगों ने कमेंट्स किए। प्रोड्यूसर एलन गोल्डस्मिथ ने कमेंट करते हुए लिखा, मेरा मतलब है कि अगर आप इंस्टाग्राम को ऑफिशियल करने जा रहे हैं तो इसे जेनिफर लोपेज की तरह करें। वहीं सारा शकील ने कहा, हम इसके लिए जी रहे हैं। जबकि कई फैंस ने कमेंट में सिर्फ हार्ट इमोजी के साथ अपनी फीलिंग्स को बयां किया। बता दें कि बेन एफ्लेक से पहले जेलो रिटायर्ड बेसबॉल खिलाड़ी एलेक्स रेडिस के साथ रिलेशनशिप में थी। इस पावर कपल ने लगभग 4 साल साथ रहने के बाद मार्च 2021 में सगाई तोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक वो दोनों अपने बिजनेस में व्यस्त है। तो ये एक झटके में नहीं बल्कि समय के साथ हुआ है। उन दोनों ने सब कुछ अलग करने से पहले काफी सोचा। जेनिफर लोपेज और एलेक्स आखिरी बार 1 मार्च को डोमिनिकन रिपब्लिक में नजर आए। जेनिफर वहां अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। जेनिफर लोपेज और एलेक्स रेडिग्रेज ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद मार्च 2019 में बहामास में सगाई की। जेलो के नाम से मशहूर जेनिफर ने पहली शादी क्यूबाई वेटर ओजानी नोवा से 1998 में की थी और 1 साल बाद शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने 2001 में डांसर क्रिस जड से शादी की और 2003 में उनका तलाक हो गया। 2004 में उन्होंने सिंगर मार्क एंथोनी से शादी की। बाद में 2014 में एंथोनी से उनका तलाक हो गया। एंथोनी से तलाक के बाद ही जेलो एलेक्स रोड्रिग्स के साथ रिलेशनशिप में आई थी। तो गाइस, क्या कहना है आपको जेनिफर लोपेज के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।